हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, हम हिंदी की पढ़ाई कर रहे थे। इसमें हम व्यंजन पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था, ये सारे अक्षर व्यंजन कहलाते हैं। इनको हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे थे। तो आज हम हमेशा की तरह पहले जो पढ़ चुके हैं उनको दोहराएंगे, उसके बाद नए अक्षर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बोलिए मेरे साथ। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, था, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, सा, सा, हा। ये तो हम पढ़ चुके थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो ये हैं, श, त्र, ज्ञ, फिर श्र, ळ, ढ। वेरी गुड। ये कौन सा अक्षर था बच्चों? श। श से क्षत्रिय। क्षत्रिय यानी सैनिक, यानी सोल्जर। आप बोलिए, श से क्षत्रिय। गुड जॉब। अब फिर क्या है? श। श से क्षितिज। क्षितिज यानी आकाश। आप बोलिए बच्चों, श से क्षितिज। वेरी गुड। अब श से क्या क्या होता है? श से क्षत्रिय, श से क्षितिज। बहुत बढ़िया। अब अगला अक्षर है त्र। त्र से त्रिशूल। आप बोलिए बच्चों, वेरी गुड। फिर से त्र। त्र से त्रिकोण। त्रिकोण यानी ट्रायंगल। आप बोलिए, त्र से त्रिकोण। गुड जॉब। अब हम सब एक साथ बोलेंगे, त्र से क्या क्या होता है? त्र से त्रिकोण, त्र से त्रिशूल। बहुत बढ़िया। अब ये कौन सा अक्षर है? ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी। ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी बच्चों उस व्यक्ति को बोलते हैं जिसके पास बहुत नॉलेज होती है। जो बहुत पढ़ाई करते हैं उन्हें ज्ञानी बोलते हैं। तो आप भी बनेंगे ना ज्ञानी? बोलिए, ज्ञ से ज्ञानी। वेरी गुड। अब ज्ञ से ज्ञान। ज्ञान यानी पढ़ाई। जो आप करते हैं उसे क्या बोलते हैं? ज्ञान। बोलिए, ज्ञ से ज्ञान। बहुत बढ़िया। अब ज्ञ से क्या क्या होता है? ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञान। गुड जॉब। अब ये कौन सा अक्षर था? श्र। श्र से श्रमिक। श्रमिक यानी वर्कर। जो बहुत मेहनत का काम करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? श्रमिक। आप बोलिए, श्र से श्रमिक। गुड जॉब। अब श्र से श्रीमान। श्रीमान यानी मिस्टर। आप किसी का नाम लेते हैं तो आगे लगाते हैं ना मिस्टर,
तो उसी को हिंदी में बोलते हैं श्रीमान। ठीक है, बोलिए बच्चों, श्र से श्रीमान। वेरी गुड। अब श्र से क्या क्या होता है? श्र से श्रीमान, श्र से श्रमिक। गुड जॉब। अब ये कौन सा अक्षर है बच्चों? ये है ळ। ळ से बच्चों कोई शब्द नहीं बनता, लेकिन ळ को हम किसी भी शब्द में बीच में या फिर आखिर में इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहला शब्द क्या है? सड़क। सड़क में क्या है? ळ कहाँ पे आ रहा है? बीच में। इसी तरह गुड़। गुड़ में ळ कहाँ पे आ रहा है? आखिर में। तो आपको समझ में आया कि ळ से कोई शब्द नहीं बनता है, लेकिन ळ को हम बीच में या फिर आखिर में किसी भी शब्द में लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे है। ये है ढ। ढ को भी इसी तरह से कोई शब्द नहीं बनता है, लेकिन ढ को भी हम किसी भी शब्द में आखिर में या फिर बीच में लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे ये शब्द है पढ़। पढ़ में ढ कहाँ पे आ रहा है? आखिर में। इसी तरह से कढ़ाई। कढ़ाई में ढ कहाँ पे आ रहा है? बीच में। तो यानी जैसे ळ में था कि उससे कोई शब्द नहीं बनता, सिर्फ बीच में और आखिर में आता है, इसी तरह से ढ में भी यही होता है। ये बीच में और आखिर में आता है, कभी भी किसी शब्द की शुरुआत में नहीं आता है। आपको समझ में आया बच्चों? ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे। बाय बच्चों, बाय बाय।